इंसान ने जब जब कुदरत के साथ खिलवाड़ की, दखल अंदाजी की, तो नतीजे अच्छे नहीं आए। फिर वो चाहे छोटे छोटे कीटाणुओं के साथ खिलवाड़ हो, जिसका नतीजा हम देख रहे हैं कोविड के साथ, या फिर बड़े पैमाने पर आबो हवा के साथ, इकोसिस्टम के साथ। आप जो नज़ारा मेरे पीछे देख रहे हैं वो एक इकोसिस्टम का है। बहुत पीछे आप ग्लेशियर्स देख रहे हैं, फिर नीचे नदी नाले, जिसके वजह से पनप रहे हैं पेड़ पौधे और उनमें पशु पक्षी इंसान, और फिर छोटे छोटे भंवरे और कीड़े मकोड़े। ये सब हमारी इकोसिस्टम के हिस्से हैं और हम भी हैं, और इसका संतुलन बिगड़ता जा रहा है। वहाँ हमारे ग्लेशियर्स जल्दी में पिघल रहे हैं, जिसके वजह से कभी बाढ़ फ्लैश फ्लड के रूप में आती है तो कभी अकाल, और फिर पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं। यहाँ तो लगाए जा रहे हैं मगर मैदानों में बड़े पैमाने पे काटे जा रहे हैं, जिसके वजह से कि ऑक्सीजन कम और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो रहा है, जिसके वजह से धरती का तापमान बढ़ रहा है और पशु पक्षी लुप्त हो रहे हैं, खासकर छोटे छोटे भंवरे। इन सब संतुलन के बिगड़ने से जो सर्विसेज, जो सेवाएं ये इकोसिस्टम हमारे लिए देती हैं, वो ख़त्म होती जा रही है। आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, विश्व पर्यावरण दिवस। मैं आप सबको एक तरफ बधाई देना चाहता हूँ मगर दूसरी तरफ याद दिलाना चाहता हूँ कि ये वक्त है हरकत का, ये वक्त है इस इकोसिस्टम की मरम्मत का, बहाली का। यही थीम है आज के इस दिन का, इकोसिस्टम्स रेस्टोरेशन। और इस इकोसिस्टम की मरम्मत और बहाली आम तरीके से नहीं बल्कि युद्ध स्तर पर, वॉर फुटिंग पर होने की ज़रूरत है, जिसमें कि हमारे नागरिक ही नहीं बल्कि सैनिक भी शामिल हों। और फिर अंत में मैं बताऊंगा आप लोगों को एक इनोवेशन के बारे में, नए तरीके के बारे में, जिसका विकास हमने अपने हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स में की है। और इसके साथ हम उगा सकते हैं पौधे इन बंजर वीरानों में, रेगिस्तानों में, जहां पानी की बहुत कमी है। अब इस इकोसिस्टम की सेवाओं की बात करें तो ये जो ग्लेशियर्स देख रहे हैं, ये पानी के बैंक हैं, ज़खीरे हैं। और फिर ये जो पेड़ पौधे दिख रहे हैं, इनके जड़ें मिट्टी को बेहतर बनाकर जब बारिश बहुत पड़े तो उसे पकड़ के रखती है और बाढ़ बनने से बचाती है, और जब अकाल हो तो धीरे धीरे पानी को छोड़ती है। ये ऑक्सीजन बना के हमें देती है और कार्बन डाइऑक्साइड खुद में जज्ब कर लेती है। और जो पशु पक्षी हैं वो बीजों को इधर उधर कर जंगलों को बढ़ाने में अपनी सेवा देते हैं। यहाँ तक कि जो भंवरे हैं छोटे छोटे, उनके बारे में कहा जाता है कि अगर इस दुनिया से इंसान गायब हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा बल्कि बेहतर होगा, मगर अगर भंवरे गायब हो गए तो कुदरत थम जाएगी। हमें आटे दाल की कीमत तो पहले ही पता चल गई थी, मगर अब इस कोविड के महामारी ने हवा की कीमत, ऑक्सीजन की कीमत भी पता चलने लगा है। आपको याद होगा कैसे हर सांस के लिए लोग तड़प रहे थे। बदकिस्मती से हम किसी भी सेवा या सुविधा का मूल्य उसकी कीमत से ही समझ पाते हैं। तो चलिए ऑक्सीजन को ही ले लीजिए, ब्लैक की बात छोड़िए, सामान्य दर पर भी ऑक्सीजन का दाम है लगभग 55 रुपये किलो। इस हिसाब से देखें तो एक साल में हम जितना सांस लेते हैं उसका अगर बिल आता तो वो आता पूरे 40,000 रुपये, और 5 जनों के परिवार का फैमिली बिल फॉर ऑक्सीजन होता 2,00,000 रुपये। वहीं दूसरे तरफ एक बड़ा पेड़ हमें लगभग 100 किलो ऑक्सीजन साल में देता है, तो एक इंसान के लिए 7 से 8 पेड़ पूरा ऑक्सीजन मुफ्त में देती है। तो देखा जाए तो इन पेड़ों को हमें कीमत अदा करनी पड़ती तो कीमत होती 2,00,000 रुपये।
अब आप समझ गए ना इकोसिस्टम सेवाओं की कीमत। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इकोसिस्टम की मरम्मत करें, उसकी बहाली करें, और चलता है के अंदाज में नहीं बल्कि युद्ध स्तर पर करें, वॉर फुटिंग पर करें, फौजी अंदाज से करें। यही हम कोशिश कर रहे हैं लद्दाख में, जहां इन पेड़ पौधों को लगाने के लिए हम हर तरह की जद्दोजहद कर रहे हैं। इसमें हम स्कूली छात्रों से लेकर भिक्षुओं से लेकर फौज के हमारे जवानों का भी मदद ले रहे हैं, और वो सब आगे आकर हरियाली के लिए काम कर रहे हैं ताकि कार्बन डाइऑक्साइड कम से कम हो और ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा हो। आने वाले सालों में हमारी जद्दोजहद, हमारा जंग पड़ोसी मुल्कों के साथ नहीं होगी। ये तो बहुत छोटे किस्से हैं जो भूल जाएंगे शायद हम आने वाले दशकों में, जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान या हिंदुस्तान और चीन या चीन और अमेरिका के बीच जो जद्दोजहद है, जिसके लिए आज हम फौज में हैं, ये सब पुराने किस्से हो जाएंगे जब हमारे सामने इतना बड़ा दुश्मन हो, इतना बड़ा दुश्मन हो कि ये छोटे छोटे दुश्मन दोस्त हो जाएंगे। तो इस बड़े दुश्मन के सामने ये सारे देश, इन सारे देशों को दोस्त बनना ही पड़ेगा, और वो सबसे बड़ा संकट, चुनौती या दुश्मन होगा क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन। इसका जंग इतना खतरनाक होगा कि हम अकेले एक देश कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आने वाले सदी में या दशकों में फौजें एक दूसरे से नहीं लड़ेंगी, ये लड़ेंगी इस बड़े दुश्मन से, क्लाइमेट चेंज से। आज पर्यावरण दिवस के मौके पर हम लोग प्लांटेशन कर रहे हैं, और ये बहुत ही नई टेक्नोलॉजी है जो कि हमने डॉक्टर सोनम वांगचू की एनजीओ के साथ में मिलकर के इस चीज़ को आइडिया हम लोगों ने लिया, और उसके बाद में इस आइडिया को अभी हम ग्राउंड पे इस स्पेशल टेक्निक के द्वारा प्लांटेशन करेंगे। इस टेक्निक की खास बात ये है कि ये टेक्निक लेह लद्दाख की माउंटेन डेजर्ट के उन एरियाज़ के लिए जहाँ पे पानी उपलब्ध नहीं है और जहाँ पर पानी देने के लिए बहुत फ्रीक्वेंटली जाया नहीं जा सकता, प्लस में जहाँ पर वाटर टेबल बहुत ही नीचे है और पौधा खुद से पानी खींच नहीं पाता, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे पुराना टायर और पुरानी ट्यूब का इस्तेमाल करते हुए उस समस्या का हल निकाला है। पुरानी ट्यूब का काम ये है कि इस पौधे को, ये पाइप आप देख रहे हैं, इसमें कैपिलरी एक्शन के द्वारा इसके अंदर लगाए गए पौधे की जड़ में इस रस्सी के द्वारा कैपिलरी एक्शन से धीरे धीरे करके एक दिन में केवल आधा लीटर पानी के हिसाब से उसकी जड़ में पानी दिया जाएगा खुद ब खुद इस ट्यूब के द्वारा। और इस तरीके से इस ट्यूब की कैपेसिटी, जो कि लगभग 150 लीटर के लगभग पानी की कैपेसिटी है, कम से कम हमारे 5 से 6 महीने इस पौधे को बिना किसी पानी दिए खुद ब खुद चलाने की क्षमता रखेगा। अभी हम लोगों ने पौधा लगाया, उसके बाद में हमने ये रस्सी जो कि कैपिलरी रिएक्शन करेगी इसके चारों तरफ इसकी जड़ में एक जाल की तरह हम लोग बुन देंगे। इस रस्सी पेड़ के रूट्स को गिली रखेगी। एक बार गीले रस्सी का जाल पौधे के चारों तरफ करने के बाद अब हम मिट्टी इसके चारों तरफ पौधे की जड़ को सुरक्षित करने के लिए मिट्टी डालेंगे। दूसरा पौधा हम लोग लगा रहे हैं वाइल्ड रोज। जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा होगा, वाइल्ड मतलब जंगली और रोज मतलब कि फूल देने वाला पौधा। वाइल्ड रोज की खासियत वही है कि ये पौधा भी लद्दाख के माउंटेनियस डेजर्ट रीजन के अंदर बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है। दूसरी खासियत इस पौधे की ये है कि ज़्यादातर पौधे यहाँ पर बिना फूल वाले होते हैं, परंतु ये पौधा हमें फूल भी देता है, जो कि यहाँ के वातावरण के लिए बहुत ज़रूरी है, कुछ रंग होना। हालांकि हम लोगों ने आज केवल 40 पौधे ही लगाए हैं पर्यावरण दिवस के अवसर पर, परंतु हम पर्यावरण दिवस को एक दिन नहीं पूरे हफ्ते मनाएंगे, और पूरे हफ्ते का प्लान है हम लोगों का लगभग 150 पौधे लगाने का। तो चलिए अब हम आपको पौधे लगाने के इस नए तरीके को विस्तार से बताते हैं, जिसमें कि
कूड़े करकट में से पुराने टायर ट्यूब को लेकर आप लद्दाख और राजस्थान जैसे बंजर जमीन में भी स्थानीय पौधे उगा सकते हैं। इस तकनीक में ट्यूब में भरे पानी को जूट या कपास की एक रस्सी धीरे धीरे साल भर में पानी ऐसे खींचती है जैसे कि एक दिए में से बांती तेल को खींचती हो। इसे कहते हैं कैपिलरी एक्शन। सबसे पहले तो हम ट्यूब को इस तकनीक के लिए तैयार करेंगे और उसके लिए एक 5 इंच के कील को मोमबत्ती के ऊपर गर्म करके उस ट्यूब में छेद करेंगे और दूसरी तरफ चलते हैं हम बाहर उस खड्डे पर जो कि हमने खोदा है इस पौधे के लिए। इसमें हम पहले चिकनी मिट्टी डालेंगे जो कि पानी को रोके रखेगी, वहाँ तक सीमित रखेगी, और फिर दूसरी तरफ रेतीली मिट्टी, चिकनी मिट्टी और मल को मिलाकर एक ऐसा मिश्रण बनाएंगे जिसमें कि पानी बहुत सोख सके और समा के रह सके, और फिर उसके ऊपर चढ़ाएंगे टायर को और फिर ट्यूब, और ट्यूब में और एक नली डालेंगे जिसमें से हम ये रस्सी अंदर डालेंगे जो कि दिए की बांती की तरह कैपिलरी एक्शन से पानी बाहर खींचेगी। इस रस्सी को हम खोलेंगे और जैसे पौधे के जड़े होते हैं वैसे ही ये खुलकर पौधे के जड़ों के साथ फैली जमीन के नीचे रहेगी। अब हम ट्यूब में पानी भरेंगे और आसानी के लिए एक छन्नी का इस्तेमाल करेंगे, इसको बंद करेंगे और फिर हमारा लगभग तैयार हो गया है तकनीक। अब इन दोनों को हम, बहुत ज़रूरी है कि पूरी तरह भिगाएं। जब तक ये भीगी नहीं होगी तो ये पानी नहीं सोख करेगी, कैपिलरी एक्शन काम नहीं करेगा। तो इसके लिए हम इन्हें बहुत अच्छी तरह भिगाएंगे ऐसे पानी में, पूरी तरह ड्रेंच्ड जिसे कहते हो। तो उसके बाद हम इन रस्सों को बिछाएंगे अंदर। इसी तरह हमने इस पाइप को भी रखा है नीचे और इस तरह से हम बिछा देंगे इसे इधर रूट्स के लिए, पानी के लिए। अब हम थोड़ा सा मिट्टी इस पे डाल देंगे और फिर पौधा। तो अब हम इसे नीचे उतारते हैं इन रस्सियों के जाल के बीचों बीच, और अब हम इस पे लगाएंगे और मिट्टी, जिस मिट्टी में हमने काफ़ी कुछ मिलाया है ताकि पानी सोख सके। इसमें पानी डालने से पहले इस पौधे को कड़ी धूप से बचाए रखने के लिए कि इसमें से जो भी पानी है वो धूप के कारण उड़ ना जाए, इसको कवर करेंगे। इसे मल्चिंग कहते हैं। बहुत बार ये घास फूस के साथ किया जाता है या फिर प्लास्टिक के शीट के साथ किया जाता है, और हमने एक नया तरीका यहाँ के माहौल के मुताबिक निकाला है जिसे हम कहेंगे स्टोन मल्चिंग। पूरी तरह से ढक लेंगे पत्थर जो कि यहाँ कहीं भी मिल जाते हैं स्टोन मल्चिंग के लिए। तो ये दिखने में भी बहुत सुंदर दिखेगा और काम ये बहुत करेगा, क्योंकि इसमें से पानी जब हम देंगे तो वो तो नीचे चली जाएगी मगर इसके अंदर से इसकी नमी बाहर नहीं आ पाएगी, क्योंकि इसके छांव के नीचे ये छुपी रहेगी, ढकी रहेगी। इस कारण से इसमें से इवेपरेशन लॉसेस लगभग ना के बराबर हो। तो ये है स्टोन मल्चिंग। आप में से जो लोग लद्दाख में या ऐसे रेगिस्तानी इलाकों में हैं तो वो इस तरह से पौधे उगा सकते हैं लगभग बिना पानी के। मगर आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे ठीक है रेगिस्तानी इलाकों के लिए, लद्दाख के लिए, मगर ये हम देख के हम क्या करेंगे, हमारे यहाँ तो कितना बारिश पड़ता है, ज़मीन भी अच्छी है, हमें इससे क्या लेना देना। असल में मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए है, ये एक संदेश है आप लोगों के लिए कि अगर हम लोग इस रेगिस्तान में इतने जद्दोजहद से ये पौधे उगा रहे हैं तो आप क्यों नहीं उगाते उन इलाकों में जहां पर पानी इतना है, मिट्टी अच्छी है, पौधे आपके लगभग बिना कुछ किए ही उग जाती है। आपकी जिम्मेदारी है कि पौधे उगाएं, ऑक्सीजन बढ़ाएं, कार्बन डाइऑक्साइड कम करें, इस धरती को खुशहाल बनाएं।
बहरहाल इस पौधे के बारे में हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे, और तब तक के लिए हम आपको शुभकामनाएं भेजते हैं इस बंजर लद्दाख के सरजमीन से। धन्यवाद और नमस्कार। मगर ठहरिए, इस वीडियो को देखने के बाद एक सवाल उठता है कि आप क्या कर सकते हैं अपने जगह पर इकोसिस्टम रेस्टोरेशन के लिए। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को सिर्फ एक दिन के लिए न मनाकर इसे पूरे जून में मनाया जा सकता है, और इस दौरान आप योगदान दे सकते हैं पेड़ पौधे लगाकर, अपनी आदतें बदलकर। और अगर आप ऐसा करना चाहें तो ilivesimply.org के वेबसाइट पे अपने प्लेजेस करना ना भूलिएगा। बिना पैसे के आप लाखों का क्राउड फंडिंग कर सकते हैं। और अगर आप पेड़ पौधे लगाने के हालत में नहीं हैं और चाहते हैं कि हम आपके लिए लगाएं, तो इस वेबसाइट पे जाइएगा संकल्प तरु और लद्दाख को कार्बन न्यूट्रल बनाने में योगदान कीजिए।